हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी हिंदी व्याकरण की वर्कशीट नंबर 38। इस वर्कशीट की डेट है बच्चों आपकी 23rd फेब 2021। आज की जो वर्कशीट है बहुत ही इजी है, इसमें आपके विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है। एक दूसरे से विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक कहलाते हैं। जो शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, उसे हम विपरीतार्थक यानी कि विपरीत शब्द या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका दिन रात, सत्य असत्य या फिर नया पुराना, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नया पुराना, सत्य असत्य, दिन रात, तो आपके लिए विलोम शब्द के अभ्यास दिए गए हैं। हम इसे देखते हैं। जैसे फर्स्ट है बच्चों आपका कि हमें अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए, तो आय का आप विलोम शब्द क्या लिखेंगे? व्यय। उसी तरह जीवन तथा मरण तो ईश्वर के हाथ में है, तो जीवन का विलोम शब्द हुआ आपका मरण। हमें युद्ध की बजाय शांति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो युद्ध का आपका हुआ विलोम शब्द शांति। जीवन में अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, तो अनुकूल का हुआ आपका प्रतिकूल। मुझे ठंडा नहीं गर्म चाहिए, ठंडा का आपका हुआ गर्म, ठीक है। जो रेखांकित शब्द थे उसके हमने विलोम शब्द कर दिए। उसके बाद है बच्चों आपका उचित विलोम शब्द मिलाइए। जैसे फर्स्ट है बच्चों आपका आदान, तो आदान का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? प्रदान, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रदान है आप इसके साथ मैच कर लेना। स्वाधीन का होता है बच्चों आपका पराधीन, आप इसको पराधीन के साथ मैच कर लेना। निंदा, ठीक है, निंदा का क्या होगा बच्चों आपका? प्रशंसा। स्वदेश है, स्वदेश का होता है आपका विदेश, स्वदेश मतलब अपना देश, विदेश मतलब दूसरा, ठीक है। उसके बाद है आपका सज्जन, ठीक है, तो सज्जन का आपका क्या होगा? सज्जन है आपका बच्चों, तो सज्जन का होता है आपका दुर्जन होगा, ये दर्जन लिखा हुआ है, ये दुर्जन होगा, ठीक है, ऐसे दुर्जन। उसके बाद है आपका पाप, तो पाप का हो जाएगा पुण्य और विस्तृत का हो जाएगा संक्षिप्त, ठीक है। उसके बाद है सही विलोम शब्द छाँट कर लिखिए, आपको सही विलोम शब्द छाँट के ये फिल करना है। तो सुगंध, तो सुगंध का होता है बच्चों आपका दुर्गंध। आदर का निरादर, गुण का अवगुण, मित्र का शत्रु, आय का व्यय, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका विलोम शब्द आपको करना है। जैसे अधिक का हो गया न्यून, आरंभ का अंत, अमृत का विष, आयात का निर्यात, जटिल का सरल, मधुर का होता है आपका कटु, सजीव का निर्जीव, प्राचीन का नवीन, नीरस का सरस और सबल का होता है आपका निर्मल, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी आसान सी वर्कशीट, आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।